श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पवित्र पावन चरण कमलों विखे धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं आप जी याद कर रहे हो। उन्हां दे शहीदी पुरब नूं समर्पित पिछले दिनों तो प्रभात फेरियां की आरंभता हुई, श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुए, उपरंत गुरबाणी कीर्तन सरवण किया है। आओ आपां कुछ समां पातशाह जी नूं सीस निवा सकीए, उन्हां दे जीवन संबंधी उन्हां दे शहादत संबंधी कुछ समां विचार करिए। आरंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो अते प्रेम सताखु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की अमृतमई बाणी अनुसार गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आया। गुरु तो बिना हनेरा है, असलियत दी गुरु तो बिना समझ नहीं आ सकती। जदों इस समाज के अंदर औरंगजेब बादशाह समुचे संसार नूं इस्लाम दे विच बदलना चाहुंदा है, समुचे संसार भर के लोगों नूं मुसलमान बनाउण दी उन्हें जिद कीती है ते आरंभता उन्हें कश्मीर तो कीती, क्योंकि हिंदू धर्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा सी। हिंदू धर्म के कुछ आगू लोग विद्वान पुरश जेडे समुचे हिंदू धर्म को उपदेश देंदे सी वो कश्मीर की धरती ते रहिंदे सन, तो इन्हें कश्मीर तो आरंभता की कि आप जदों इन्हां दे आगूआं नूं जदों इन्हां नूं उपदेश देण वालियां नूं जदों इन्हां दा प्रचार करन वालियां नूं मुसलमान बना लिया तो दूजियां नूं बनाउणा अपने लिए बहुत सुखाला ते सुखैन होवेगा। बहुत सारे लोग डरते हुए
अपना जंजू त्याग देंगे है ते मुसलमान धर्म नू धारण कर लेंगे। कुछ डरे हुए कृपा राम पंडित की अगवाई थले अमरनाथ के मंदिर विच जाके अमरनाथ के पुजारियों नू कहिंदे ने कि अज तुसी शिव भगवान अगे इस धर्म की चढ़ती कला दे लई जोदड़ी करो प्रार्थना करो ताकि वह साढ़े इस धर्म की डुबदी हुई नैया नू पार ला सकन। अमरनाथ के पुजारी उन्हां पंडित कृपा राम वर्गियां नू ते नाल आया होया नू कहिंदे ने कि इत्थे कोई तुहाडी जोदड़ी नहीं कीती जा सकदी, जे अपने धर्म नू कायम रखना चाहते हो तो जाओ गुरु नानक पातशाह जी की शरण विच, जिस गुरु नानक पातशाह जी के कहण ते बहुत सारे लोगों ने इस जंजू का त्याग किया सी, उन्हां दी शरण विच जाओ वो तुहाडे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। पंडित कृपा राम की अगवाई थले बहुत सारे कश्मीर के कुछ उच्च कोटी के ब्राह्मण धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्ची सरकार की शरण में आते हैं। उन्हें आ के उत्थे बेनती की, उन्हां दी पुकार नू पातशाह ने सुनिया, क्योंकि पुकार करांगे तो पातशाह सुनगे तो जे पुकार नहीं तो पातशाह भी नहीं सुनता। उन्हें प्रेम नाल बेनती की ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वचन करते हैं कि तुहाडी इस डुबदी हुई नैया नू पार लाया जा सकता है, पर जे कोई करनी वाला पुरश भजन बंदगी करन वाला पुरश नाम बाणी दा अभ्यासी अपने आप की शहादत देवे अपने आप की कुरबानी देवे। गुरु गोबिंद राय पातशाह अजे गुरु गोबिंद सिंह नहीं बने, गुरु भी नहीं बने, सिर्फ गोबिंद राय ने, छोटी उम्र है। अपने पिता गुरु नू बेनती करते हैं गुरदेव आप जी तो वध के बलशाली भजन बंदगी करन वाला नाम बाणी का अभ्यासी दुनिया विच कोई नहीं, ते अज तुसी कृपा करके इन्हां दी डुबदी हुई नैया नू पार ला सकदे हो ते मेहर करो। धन गुरु तेग बहादुर साहब अपने बाल अपने सपुत्र गोबिंद राय दे इन्हां बोलां नू सुन के ये समझण योग ने कि मेरा पुत्र गुरु नानक दी गद्दी दे उपर बैठण योग हो चुका है, मेरा पुत्र इस कौम दी अगवाई करन दे योग हो चुका है। अपने पुत्र नू गुरता गद्दी बख्शिश करके धन गुरु तेग बहादुर साहब अपने सिखां समेत हिंदू धर्म नू बचाउण दे वास्ते आनंदपुर साहब की पावन धरती तो तुरदे हैं। उन्हां सिखां समेत जदों आनंदपुर तो चाले पाए दिल्ली वल नू, क्योंकि सतगुरां दी एक शहीदी बड़ी विलक्षण जी शहीदी है। गुरु तेग बहादुर साहब नू इस गल दा पता है कि उत्थे की वापरना है, पर पातशाह दे अंदर बिल्कुल खौफ भय नहीं। पातशाह बिल्कुल खौफ तो भय तो रहत हो के अपने सिखां समेत दिल्ली की धरती वल नू जा रहे। सतगुरु पातशाह जी चलते गए, सिख संगत नू उपदेश दिंदे गए, ते अखीरी आगरे दे विच्चों पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ते उन्हां दे सिखां नू गिरफ्तार किया जाता है। जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नू उन्हां ने गिरफ्त दे विच लिया ते उदों औरंगजेब बादशाह दिल्ली दे अंदर मौजूद नहीं सी, है मुल्क दा बादशाह, शहीदी औरंगजेब दे हुक्म नाल होनी है, पर उदों औरंगजेब बादशाह हसन अबदाल दे विच गया होया सी ते उत्थे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नू गिरफ्तार करके एक हवेली है पुरानी जिदे प्रथाए प्रचार किया गया कि यह भूतां वाली हवेली। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नू उस हवेली दे विच उन्होंने कैद कर दिता। जदों कीता उत्थों दा एक काजी है सतगुरां नू गिरफ्तार करन वाला, वो अपने साथी नाल गल करदा है कि अज धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी डर रहे होणगे उस हवेली विच बैठे हुए, अज उन्हां दे हालात बहुत ज़्यादा माड़े होणगे। जदों उन्हें अपने साथी तो पुछया तो वह आखन लगा नहीं,
सिखां दा गुरु गुरु नानक दी गद्दी दा मालक उस हवेली दे विच खै जरूर पर उत्थे खौफ तो रहत है डर तो रहत है उहदे चेहरे ते किसे तरह की कोई मायूसी नहीं। वह उस हवेली दे अंदर इस तरह गेड़े ला रहा है चक्कर ला रहा है जिवें आपां किसी बाग दे अंदर टहलदे पए हुंदे आ। उन्होंने अपने आप दे विच इस तरीके गिरफ्तार किया सी हवेली विच बंद किया सी कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी इत्थे पैपीत हो जाएंगे डर जाएंगे। जदों डर गए तो उन्होंने इस्लाम नूं बहुत छेती कबूल कर लेना। उन्होंने करामातां विखाउण नूं तैयार हो जाना। वह हिंदू धर्म का जिहड़ा फड़ी कोई बाह नूं छड़ देणगे पर उन्हां दे अंदर इस तरह का कोई ख्याल नहीं सी कि पातशाह इत्थे भय तो रहत हो के विचर। कुछ दिनों तो बाद धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल दे साथी सिखां ने भाई सतीदास भाई मतीदास अते भाई दयाला जी नूं उन्हां नूं वख-वख तरीकियां दे नाल तशद्दद दे करके भाई मतीदास दे दो फटियां दे विच उन्हां दे शरीर नूं कस के बाहां नूं बन के आरे दे नाल भाई मतीदास दे शरीर नूं विचों बीच तो चीर दिता। भाई मतीदास तो बाद भाई सतीदास वर्गे महान गुरसिखां नूं उन्हां ने धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे प्यारियां नूं उन्हां ने रूह दे विच लपेट के अग ला दित्ती अते भाई दयाला जी नूं उन्हां ने उबलदी कोई देग दे विच बिठा करके थले तेज अग बाल के उन्हां नूं उत्थे उन्हां दे शरीर नूं उबाल दिता। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे तिन्नों गुरसिख गुरबाणी दा जाप जपदे गुरु नूं अपने सनमुख रख के शहीदी दा जाम पी गए। उहदे तो अठ दिनां तो बाद धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी शहीदी हुंदी है। सतगुरां नूं उन्हां ने उस हवेली दे विचों बाहर लै के आंदा ते एक पिंजरे दे विच पातशाह जी नूं उन्हां ने कैद किया। वह जिहड़ा पिंजरा है ना उहदे विच बैठिया जा सकदा है ना ठीक तरीके उहदे विच खड़िया जा सकदा है। वह बैठण दे विच भी मुश्किल क्योंकि उहदे अंदर तिखे सूए लगे हुए है किल्लां लगियां होईयां है। वह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं उस उहदे विच कैद किया गया ते नाल पातशाह जी तो सवाल करके पुछया जांदा है कि तुहाडे नाल असी दो मते रखदे हां तुहाडे सामने तीन चीज़ां रखदे हां तुसी इन्हां विचों एक नूं चुनना है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं सवाल करदे ने कि या तां तुसी दीने इस्लाम कबूल करो जे इस्लाम नहीं ते तुसी कमाले करामातां विखाओ जे कमाले करामातां भी नहीं विखा सकते ते तुहानूं मौत वाला रस्ता चुनना पैना है या तुहानूं इत्थे कतल कर दिता जाऊ ये तुहाडी हुण मनसा दसो किदां दी है। जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ये सुनते ने ते अपनी रसना तो जवाब देंदे आ उन्हां नूं कि भाई जे मैं इस्लाम कबूल करदा ते मेरी इस कौम की बारी तौर पर मौत हो जाती है जे कमाले करामातां विखाउणा है ते मेरी कौम की आत्मक तौर पर मौत हो जाती है ना मैं इस कौम नूं आत्मक तौर पर मरिया देख सकदा ना शरीर करके इनू मरिया देख सकदा। मैं तीसरा रस्ता बहुत प्यार नाल बहुत खस के बहुत वधिया तरीके नाल चूज करदा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहिंदे मैं अपने आप का सीस दिऊं कुरबानी दिऊं ना इस्लाम कबूल करां ते ना कमाले करामातां विखां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं हुण शहीद किया जाणा। सतगुरु पातशाह जी दे प्रथाए जिहड़ी कि उन्हां दा धड़ तों सीस जुदा किया जाणा। सतगुरु पातशाह तो इच्छा पूछी जाती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने वचन करके कहिंदे है कि भाई इशनान का प्रबंध किया जाए। सतगुरु पातशाह जी ने इशनान किया एक खूही तो इशनान करके फिर सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को चांदनी चौंक में ले जा करके थड़े के उपर पातशाह जी विराजमान हुए ते अपनी रसना तो अमृतमई बाणी जपजी साहब का जाप करते हैं ते नाल अपनी रसना तो बचन अखीरली पौड़ी दे नाल श्लोक पढ़ते हैं।
जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल ते उसे वक्त इस्लाम दा औरंगजेब बादशाह दा लाया होया सैयद जलालुद्दीन। मैं एक बेनती करा, इस्लाम धर्म के अंदर दो तरह के जलाद होंगे हैं, एक सैयद होंगे है ते एक आम जलाद होंगे है। जिहड़ा आम जलाद होंगे वो आम लोगों को सज़ा देने वास्ते रखिया होंगे है ते जिहड़े सैयद जलाद होंगे है वो किसी वली महापुरश गुरबाणी का धारनी या बहुत ज़्यादा करामातों के धारनी को सज़ा देने वास्ते रखिया होंगे है। इस करके जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को शहीद किया गया तो उदों भी इत्थे सैयद जलालुद्दीन जलाद है। जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जुजार सिंह बाबा जोरावर सिंह नू शहीद किया जाता है, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नू शहीद किया जाता है तो उत्थे भी जलाद सैयद ने शाशल बेग ते बासल बेग। इत्थे सैयद जलालुद्दीन जलाद ने अपनी तलवार नू तैयार किया, उधरों सतगुरु बचन पढ़ रहे ने जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल कह के जिवें पातशाह ने अपना सीस उस अकाल पुरख नू चलाया चुकाउण दे नाल पिछे खड़ा होया जलाद जलालुद्दीन सैयद जलालुद्दीन बहुत तेजी नाल कृपाण कमाउंदा है ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जिहड़ा सीस है वो धड़ दे नालों इक्को वार दे नाल जुदा कर दिंदा है। उत्थे सतगुरां दा धड़ वख हो गया ते गुरदेव पातशाह जी का जिहड़ा सीस है वह वख पिया। चांदनी चौंक है ये चांदनी चौंक भी एक बादशाह शाहजहां दी बेटी ने इसनू चांदनी चौंक का नाम दिता सी क्योंकि इत्थे एक चंद दी आकाश दे विच्चों वक्खरी जी तरह की रोशनी पैंदी सी। इत्थे एक पानी का छोटा जा चबूता बनिया होया सी, जदों आकाश विच चमकण वाले चंद दीआं किरणां पानी ते पैंदीआं सन ते इहनूं चांदनी चौंक का नाम दिता गया। उत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जदों धड़ने नालों सीस चुदा होया बहुत वड्डी तादाद दे विच लोग इहनूं वेखण वास्ते एकत्र होए। औरंगजेब बादशाह कहिंदा है कि सतगुरां दा धड़ ते सतगुरां दा सीस इसे चौंक विच रुलदा रहण दिओ ताकि आउण वाले समयां दे विच कोई भी इस्लाम दे खिलाफ आवाज़ चुकण दी जुरत ना करे, कोई भी इस्लाम दे खिलाफ जाण दा यतन ना करे। सतगुरु पातशाह जी दा उत्थे धड़ पिया सीस पिया। सतगुरु पातशाह जी दे जीवन विच दो शाह गुरु तेग बहादुर साहिब नू मिले है, एक शाह है मक्खण शाह लुबाणा जेड़ा कदी बेड़ा डुबदा सी जहाज डुबदा सी, जिन्हें कदी गुरदेव दे चरणा च कहा सी पातशाह डुबदी हुई इस जहाज नू किनारे लाओ मैं तुहाडे चरणा विच मोहरा भेट करूँ। ओ शाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की शरण विच आया सी। एक शाह वो है जेड़ा लखी शाह बन जा रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी दे नाल इन्हां दा दोहां शाहां दा बहुत गूढ़ा संबंध है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जदों उत्थे धड़ तों सीख जुदा होया है ते सतगुरु पातशाह जी दा प्यारा सिख भाई जैता जी वह भी अपने आप दे अंदर नू लांता दिंदा है, अंदर आत्मे नू कहिंदा है कि सिख होण दा भी की लाभ जे आपदे गुरु दा सीस इस धड़ दा सीस अते धड़ नू इस चौंक दे विच रुलदे रहण देना चाहिए। अपने गुरु दा सिख होण दा की लाभ, लखी शाह वणजारा भी कहिंदा है जे आपदे गुरु दा ताड़ी इस चौंक दे विच रुलदा रहा। लखी शाह वणजारे ने समें दे समुची सिपाहियां तों बहुत तरीके दे नाल लुका के छुपा के सतगुरु पातशाह जी दा उत्थे धड़ चुकिया, रूह दे विच लपेट के अपने घर लै गया। अपने घर लिजा के उन्हें अपनी हवेली अग दे हवाले कर दिता अते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे धड़ दा संस्कार किया। भाई जैता जी उत्थों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस चुक के आनंदपुर साहब वल नू हो तुरे। अज वांगरा कोई जरनैली मार्ग सड़क नहीं सी कि उत्थों पैंडा करना बहुत सौखा है सुखाला है। इधर आनंदपुर की धरती दूजे पासे दिल्ली
दिल्ली तो आनंदपुर साहब का पेंडा तय करना है। भाई जैता जी ने धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सीस नू अपनी छाती लाया लाया पहले दिन जिमें पातशाह जी का सीस जुदा होया चांदनी चौंक तो चुकया चुक के 40 मील का एको एक दिन विच भाई जैता जी उतों पेंडा तय करते हैं। तय करके गुरु साहब जी के प्यारे गुरसिख गुरु के चरणों नू प्यार करन वाले गुरु के चरणों ते भरोसा रखन वाले सब तो पहला जी का अज इलाके का नाम बड़ खालसा है। भाई जैता जी उस शीस नू चुक के खुशाला अते एक मेघराज नाम के दो सज्जन सन जिन्हां ने एक इलाका जिन्हां ने एक पिंड वसाया सी जिन्हों खुशाल गढ़ी का नाम दिता गया सी। सब तो पहला वो सी चुक के खुशहाल की गढ़ी में पहुँचते हैं। खुशहाल नू पता लगता है कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सीस नू लैके भाई जैता जी आए हैं अते पिछे दुश्मन भी जिहड़ा के मुकाबला करते आ रहे ने लभदे आ रहे ने टोलदे आ रहे ने ते उत्थे उन्हें अपने पुत्रां नू एक गल कही कहिंदा सतगुरु पातशाह जी के सीस नू अते सतगुरु पातशाह जी के इस महान गुरसिख नू बड़े प्यार दे नाल इत्थों तुसीं विदा करना है। जे किते पिछे दुश्मन आ के पुछदा है कि गुरु का सीस लै के सिख तुहाडे घर वड़िया सतगुरु का सीस मैनू दिओ ते बिल्कुल तुहानू इस गल की खुली छुट्टी इजाजत है। तुसीं तलवार दे नाल खुशाला जी कहिंदे मेरा सिर वट के दे दिओ जे पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सिख दा ते उन्हां दे प्यारे सीस दा किसी नूं पता ना लगन दिओ। उहदे जदों सिपाही घर विच आए भाई खुशाले दे पुत्रां ने खुशाले दा सिर वट के उन्हां तुरकां नूं दे दिता उन्हां सिपाहियां नूं दे दिता पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सीस तक अते गुरु साहिब दे प्यारे गुरसिख भाई जैते तक नहीं उन्हां ने पहुँचण दिता। उत्थे खुशाले दा सिर लै के जदों वह वापस मुड़े अपने नाल दे जा के साथियों नूं आगुआं नूं दसदे है कि सिख गुरु का सीस लै के नठ गया सी इत्थों पर उत्थों असी उहदे कोलों सिर वापस लै आए हैं। जदों उन्हां ने सिर वेख्या नाल कहिंदे इह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सिर नहीं इह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस नहीं इह किसी आम मनुख दा है। उन्होंने जा करके उस इलाके नूं खुशाला गढ़ी नूं जिहड़ी भाई खुशाले ने वसाई सी जिन्हों खुशाल गढ़ी कहा जाता सी सारी नूं इलाके नूं अग दे हवाले कर दिता क्योंकि उन्होंने तुरक फौजां दे नाल एक इस्लाम फौज दे नाल बहुत वड्डा मजाक कीता उन्होंने झूठ बोलिया उन्हें सज़ा उन्होंने ये मिली। बाद विच उन्होंने ये फिर तो भाई खुशाला जी की जिहड़ी वंश दे विचों उन्हां दे परिवार दे विचों अगे जी होए उन्होंने इस इलाके नूं फिर तो बहाल किया इहदा नाम बड़ खालसा करके रखिया। भाई जैता जी उत्थों तुरे उत्थों चलते हुए वो अगे पातशाह जी दे प्यारे गुरसिखां दे घर भाई जैता जी अपनी छाती नाल सीस ला के आ रहे हैं ते उन्होंने अपना जिहड़ा दूसरा पड़ा किया वो एक शेख बाहुद्दीन बहुत ही इस्लाम दे विच परपक अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी करन वाला अल्लाह नू अपने नाल अंग संग समझन वाला शेख बाहुद्दीन दे कोल आए है। शेख बाहुद्दीन तो पुछदे है कि तेरे इलाके विच तेरे नगर विच किसे सिख दा घर नहीं कि असी कुछ समा रुक के अगे चले जाना है। वो दस पाउंदा है कि मेरे पिंड दे विच एक कृष्णपाल नाम दा एक सज्जन रहिंदा है उहदे घर चला जा वो तेरी पूरे तरीके दे नाल मदद करेगा। भाई जैता जी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस लै के कृष्णपाल दे घर आए उत्थे कुछ समा रुके ते फिर भाई जैता जी उत्थों सतगुरां दा सीस लै के अपनी छाती नाल ला के उत्थों अगे नूं तुरे ते अगे त्रावड़ी दे इलाके विच भाई जैता जी पहुँचे है। बहुत संघणियां झाड़ियां सी कंडियां नूं लताड़दे हुए बूईयां नूं लताड़दे हुए जदों आए ते अगे एक बहुत मुगल दा एक दा किला है उहदे कोल एक पानी दा छोटा सोमा सी उस सोमे दे उपर एक धोबी सज्जन
कपड़े धोरिया सी जिहदा नाम सी देवा राम। देवा राम जदों कपड़े धोंदा है कपड़े धो के वह पंड बन रहा सी कपड़िया धोतियां दी क्योंकि शाही फौजां दे कपड़े धोंदा सी। जदों उन्हें झाड़ियां नूं अते कंडियां नूं लताड़दियां दी उहदे कन्नां विच आवाज़ पई ते पुछण लगा भाई कौन है, ते अगों आवाज़ अपने दी जाण के अपने दी आवाज़ पहचान के भाई जैता जी दसदे आ कि भाई मैं धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सिख। ते उन्हें इस तरह जदों सुनिया ते नाल ही देवा राम जी कहन लगे भाई सिख दी मदद ना करा, सिख होण दे नाते सिख दी मदद ना करा, ये किवें हो सकदा तू बुइयां दे विच लुकें तू झाड़ियां विच लुकें, आ मैं तेनू गरीब हाँ आ मैं तेनू घर लैके चलदा जिवें होया तेरी मदद करूँगा। भाई जैता जी अते देवा राम दोवें कपड़िया की उस पंड नू चुक के धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस छाती नाल ला के उहदे घर गए। अगे देवा राम अपनी पत्नी नू आवाज़ मारदे आ भागवान ने घर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सिख आया आपां इन्हां दी मदद करांगे। पत्नी नू भी बहुत खुशी चढ़ी, उन्हें बहुत शुक्र मनाया कि अज गुरु का सिख आया, ते नाल भाई जैता जी दे दीवा जगाया, दीवे की रोशनी विच भाई जैता जी का चेहरा चमकिया, हाथ विच इंज लग्या भी कुछ फड़िया होया। उन्होंने कहा तुहाडे कोले बहुत कीमती धन या खजाना होगा, लियाओ सानू दियो, ये असी कीमती खजाने नू संभाल के रख दिंदे आ, कल नू साडे तो जान लग्या तुसी वापस लै लियो जे। भाई जैता जी कहिंदे तुहानू की दसां ये केड़ा कीमती खजाना है, जे जान वार के भी कोई मंगे ये मैं कदी भी किसी नू देऊंगा नहीं। भाई जैता जी जी नू प्यार नाल पुछदे ने तू गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सिख है, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे घर की कोई गल सुना, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी किस हालात विच ने, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे चरणां दा प्यार मानन नू बहुत चित करदा है, उन्हां वास्ते असी एक घर विच कपड़ा चादर बना के रखी है, किते गुरु की नगरी विच जावें, हुण तू गुरु की नगरी विच जावें ते गुरु नू जाके तरला लई बेनती करी कि तुहानू तुहाडा गरीब निमाणा सिख देवा राम तो बीदा किता करन वाला चेते करदा सी, मैं सतगुरु जी घर आउणगे, मैं सतगुरां दे चरणां विच इक चादर भेट करके गुरु की खुशी लऊं। जदों भाई जैता जी ने भाई देवा राम ते उहदी पत्नी की जुबान तो सारी गल सुनी, सुन करके भाई देवा राम जी नूं अते उन्हां दी पत्नी नूं कुछ बोल के कहण तो पहला गल भर आया, कह कुछ ना सके ते नाल कहिंदे कि भाई कुछ समा आराम करना ते फिर मैं अगे जाना है, ते नाल कहिंदे भी आ कीमती खजाना तुहाडे मैं हवाले नहीं कर सकता। जदों उन्हां ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे बारे पुछया कि उन्हां नूं बेनती करी वो साडे घर आउण, ते भाई जैता जी बड़े प्यार दे नाल बड़े आराम दे नाल वो जिहड़ा सीस ते लपेटिया होया कपड़ा सी एक एक लड़ करके भाई जैता जी खोलते गए जिमें अखीरला लड़ खोलिया नाल उन्होंने झात मारी ते नज़र आया गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का कला सीस, चादर विछाई पलक डाया चादर विछाई ते प्यार दे नाल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस भाई जैता जी ने उस पलंग ते टिका दिता। भाई जैता जी दे कोलों सीस वेख के पलंग ते पिया सीस वेख के भाई देवा राम तो भी ते उन्हां दी धर्म सुपत्नी अंदरों अंदरी गुरु नू बेनती करदी महाराज अज घर भी आए घर नू भाग भी लाए ते तुसी किन्ना हालातां विच आए, कदी पातशाह जी तुसी शरीर करके आउंदे तुहाडे चरणां विच चादर भेट करदे तुहाडे चरणां दी खुशी लैंदे, उत्थे धन गुरु तेग बहादुर साहिब दीन दुनिया दे मालक दे वास्ते जिहड़ी उन्हां ने चादर बस्तर तैयार कीता सी ओ बस्तर ओ चादर फिर पलंग दे चादर दे उपर विछाई, एक पलंग है पलंग दे उपर चादर है, एक जिहड़ी उन्हां ने आप बनाई सी ओ चादर नू फिर थल्ले विछा करके उत्ते उपर पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का सीस रखिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे गुरसिख भाई जैता जी नू कहिंदे ने तुसी थके होवोंगे, तुसी बहुत लम्मा पैंडा तय कीता है, बहुत ही मुश्किल भरे रस्ते दे विचों तुसी गुजर के आए हो,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥਲ ਮਾਜਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਬਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਧੋਬੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਕਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ ਆ ਇਮਾਨਤ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
माता गुजरी जी ने तकिया, गुरु तेग बहादुर साहब दे माता माता नानकी जी तकदे है ते प्यार नाल मत्था चुम के माता गुजरी जी बेनती करदे है, महाराज तुहाडी सिक्खी केसां सवासां संग निभ गई, महाराज मेरे ते मेहर करियो, मेरे ते तरस खायो, मेरी भी ये सिक्खी केसां सवासां संग निभ जावे, मैं भी निरंकार दे चरणों विच पहुँच सकां, निरंकार दे चरणों का प्यार मान सकां। उत्थे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सीस दा संस्कार, धन गुरु गोबिंद राय महाराज अपने गुरसिखां समेत आनंदपुर साहब दी पावन धरती ते ले जा करके करदे है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सीस दा संस्कार हो रहा है, कोल खड़ी माता भी तकदी है, कोल खड़ी गुरु गोबिंद राय पातशाह जी दे दादी जी माता नानकी जी भी वेख रहे हैं, सतगुरां दे महल भी वेख रहे हैं, धन गुरु गोबिंद राय पातशाह भी वेख रहे हैं, बेअंत खड़े हुए गुरसिख भी वेखते पे है ते नाल सोचते हैं सतगुरु पातशाह जी ने अज अपनी कुरबानी दे के खिंद धर्म की डुबदी खोई बेड़ी नू बचा दिता। जिन्नी देर तक धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ना दिंदे अपना सीस ते इस धर्म की डुबदी खोई बेड़ी नू कोई बचा नहीं सी सकदा। जे ये बेड़ी अज डुबणों बची तो यह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की सीस सदका उन्हां दी कुरबानी सदका बची। उत्थे बड़े प्यार नाल संस्कार किया गया ते धन गुरु गोबिंद राय पातशाह उत्थों दे हालात बारे उत्थों दे समय बारे पुछदे है ते नाल प्रण करदे है कि हुण समा शांतमई रह के, हुण समा माला फेर के, हुण समा सिर्फ चौंकड़ा ला के चलण वाला नहीं, हुण चौंकड़े दे नाल नाल घोड़ सवारी भी सीखनी पैनी है, हुण नाल नाल माला दे शस्त्र भी बोने पैने हैं, हुण नाल नाल भजन बंदगी दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे फौज दे विच भी शामिल होना पैना है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहीदी तो बाद गुरु गोबिंद राय पातशाह जी शस्त्रधारी होने का प्रण करते हैं ते नाल अपने गुरसिखां नूं उपदेश दिंदे है कि भाई शस्त्रधारी हो के ही राज कायम किया जा सकता है, तो राज नूं कायम करन वास्ते शस्त्र नूं ना विसारो, क्योंकि शस्त्र के अधीन है राज, जिहदे कोले शस्त्र है उहदा राज है, तो जिहड़ा शस्त्र नूं विसार देवे उह राज तो हमेशा उहदे हत्थां तों चला जांदा है। उत्थे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सीस तो बाद शहीदी तो बाद ये प्रण किया, उधरों लखी शाह जी वणजारा ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर दे धड़ दा संस्कार करके अपनी सिक्खी नभा दित्ती, भाई जैता जी ने गुरु दा सीस पहुँचा के अपनी सिक्खी नभा दित्ती ते नाल छाती नाल ला के गुरदेव ने बचन कहे, रंगरेटा गुरु का बेटा गुरु के बेटे का खिताब भाई जैता जी की झोली में धन गुरु गोबिंद राय पातशाह जी ने पाया ते सारी उम्र सत्कार अपनिया नज़रों के विच दिता, अपने चरणों का प्यार बख्शिया ते नाल सिख संगत नूं कहा, संगत जी इस गुरसिख के चरणों में सीस नवायो, इस गुरसिख का सत्कार अपने मनां विच कायम करो, क्योंकि अज इन्हें बहुत ही महान कार्य किया, सतगुरु गुरु तेग बहादुर का सीस इथों तक पहुँचाया, इस संगत को भी उपदेश दिता ते महाराज ने आप भी सत्कार दिता ते दे के अपने घरों पुत्र का बेटे का दर्जा जिहड़ा भाई जैता जी की झोली में सतगुरां ने पाया। क्योंकि देखो असी इको ही गल अपने मन में वसा लें कि जी इन्हां गुरसिखां नूं विसार दिता जाए, गुरुआं नूं कल्ला पढ़ीए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं सीस नवाईए, नहीं, जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं सीस नवाउणे आ नाल सिखां दे विच जिहड़े इतिहास दे विच सिख कुरबानियां करके गए, जिहड़े सिखां ने महान सिक्खी नूं नभाया है, गुरदेव पातशाह सानूं उन्हां दा भी सत्कार करन दा प्रण दिंदे आ। महाराज बचन करदे आ, जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निम निम लागों पाए जियो, आखां बिरथां जी की गुरसज्जण देहो मिलाए जियो, ए मन तै कू डेवसा मैं मार्ग देहो बताए जियो। सतगुरु पातशाह जी बचन करके कहिंदे आ कि गुरसिखां दा भी सत्कार करियो, बाणी दे धारनी बाणे दे धारनियां दा भी सत्कार करियो, अते जिन्हां दा विशेष कार्ज होवे उन्हां नूं अपने दिल विच वसा के रखियो,
अज आप गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शहीदी पुरब मना वास्ते इतने एकत्र होए हैं। तो मैं बेनती करदा हर साल एकत्र होंगे हैं तो आप गुरदेव के इन्हों बचना उन्हों की अमृतमई बाणी अपने मन के अपने जीखन वसाइए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बचन करते हैं, साधो मन का माण त्यागो, अपने मन का माण त्याग के हंकार छड के गुरु साहब की शरण में आओ, गुरु साहब जी की शरण बाणी के नाल जुड़ के अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि जिदन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह अपने पोतरे नूं गुरता गद्दी दिंदे हैं उदन मात नानकी बेनती करती है, स्वामी जीओ तुसी अपने पोतरे नूं गुरता गद्दी दित्ती, मेरा पुत्र इन्ना होशियार नहीं, मेरा पुत्र इन्ना महान नहीं कि इहदे दुनिया दे विच बहुत लंबे संबंध होण, मेरा पुत्र आम जा बालक है, तुसी इहदे ते इहदा की बनूगा। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्रशादा छकते वक्त अपना एक रुमाल बख्शिश करते हैं मात नानकी नूं, मात नानकी नूं रुमाल बख्शिश करके नाल अपने पुत्र नूं एक चौंकी पोथी बख्शिश करते हैं, पोथी बख्शिश करके एक कटार बख्शिश करते हैं, तो नाल बचन करके कहिंदे आ नानकी चिंता मत कर, तेरा पुत्र बहुत महान होवेगा, जेड़ा तेरा पुत्र कार्ज करूँ इहदे वर्गा कार्ज दुनिया विच कोई नहीं कर सकता, ते इहदा पुत्र जेड़ा अगे कार्ज करूँ वह भी दुनिया विच कोई नहीं कर सकता, दुनिया लई मिसाल होवेगा। जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने यह वचन कहे तो उदों माता नानकी नूं तरवास मिलिया सी, अज जदों कल्ला सीस तकिया उदों वह बचन चेते आ गए, अज जदों कल्ला सीस ते कुरबानी नूं सुनिया ते अंदर याद आ गया सब कुछ कि कदी स्वामी जी कह के गए सन, अज उन्हां दे कहे हुए बचन संपूर्ण हुए है। सो इस करके सानू सतगुरु पातशाह जी दे इस महान इतिहास दे नाल उन्हां दे जीवन दे नाल उन्हां दी बख्शिश कीती बाणी दे नाल जुड़ना चाहिए है, ताकि सानू साडे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की खुशी मिल सके। सीस दे दिता पर उन्होंने कदी भी अपनी जुबान तो ना तो सी उचरी ते ना अपना जिहड़ा प्रण सी उन्हों बदलिया। जिद्दण गुरु की शहीदी हो गई संसार विच हाए हाए हो रही सी, पर सुरलोक दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे जय जयकार हो रही सी। सतगुरां दे बचन बड़े प्यारे ने, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभ पुर कियो प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू को आन, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोक, खै खै सब जग पयो जय 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 सुरलोक। इस संसार विच हाए हाए सी पर सुरलोक विच नहीं, सुरलोक दे देवते भी गुरु की जय जयकार कर रहे सी कि अज वर्गा महान कार्ज कोई नहीं कर सकता। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सीस दिता पर अपना सिर नहीं दिता, क्योंकि सतगुरु पातशाह ने सीस दिता ना अपनी जुबान तो सी उचारण की। सो यह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की महान दास्तान है जड़ी आपने समय के सीमा के रहिंदिया होया यह दास्तान सांझी की है। सो सतगुरु सत श्री अकाल, गुरु साहब कृपा कर सानू सारिया नू अपने चरणों का प्यार अते बाणी दे नाल जुड़न, बाणे दे नाल जुड़न, ताकि असी गुरु की मिली हुई सिक्खी नू केसा सुआसा संघ निभा सकीए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने अपार कृपा की, ये महान बख्शिश की, ते अज आपां ये शहीदी पुरब मनाया है। फिर इत्थे बहुत ही प्यार योग सत्कार योग सेवा निभा रहे साढ़े सत्कार योग बाबा वीर सिंह जी, बाबा मेजर सिंह जी, भाई वजीर सिंह जी, जिन्हां ने बड़े प्यार सहित इत्थे सेवा की है। सो सतगुरु उन्हां दी सेवा लेखे विच लाउण, बहुत पिछले दिनों तो बीबियां ने भाइयां ने सारियां ने रल मिल के पातशाह जी दे पावन स्थान ते प्रभात फेरियां आरंभ कीतियां सन, श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुए, संपूर्णता हुई है। सो इन्हां बेनतियां प्रवान
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।